अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज हम जो चीज़ें बना रहे हैं वो हैं प्याज के पकोड़े, और उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए, और सारे स्पाइसेस, ज़ीरा, हरा धनिया, काली मिर्च, चाट मसाला, पिंच ऑफ सोडा, और हमें क्या चाहिए, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, बेसन में हम अपना प्याज ऐड करेंगे। प्याज ऐड करने के बाद हम सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे जिसमें सारे स्पाइसेस हैं, और एक एक टीस्पून है काली मिर्च है, सोडा, पिंच ऑफ सोडा है, क्योंकि सोडा के बगैर तो पकौड़े बन ही नहीं सकते। और आपको अगर कोई खटाई पसंद है, जैसे आमचूर पाउडर हो गया, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला, और अब मैं ग्रीन चिली डाल रही हूँ, और मैं डाल रही हूँ हरा धनिया, जो कि मुझे पकोड़ों में बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे, इनको अच्छी तरीके से मिक्स करें ताकि ये सारे मसाले एक दूसरे में जुड़ जाएं और अच्छी तरह से स्पाइसेस जो है ना वो मिक्स हो जाएं। इसको मिक्स करेंगे एक चम्मच से, एक मोबाइल से मैं बना रही हूँ, एक चम्मच से मैं मिक्स कर रही हूँ, इतना मुश्किल होता है ना, लेकिन आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। और हम पानी डाल रहे हैं, मैंने ना जल्दी जल्दी में ना सारा का सारा पानी डाल दिया, तो उसको मुझे ऊपर बेसन डालना पड़ रहा था। तो आप लोगों को भी अगर पानी ज़्यादा डल जाए तो कोई मसला नहीं है, हम ना ऊपर से बेसन डाल सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है, ठीक है। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और इस मक्खी ने मुझे बहुत तंग किया था, तो होता रहता है, चलता है। तो हमने ऑयल डाला, उम्मीद है कि है ना ऑयल जो है ना ज़्यादा हो, और हमारे पकोड़े तैयार हैं। देखिए, थैंक यू सो मच।